तो जी राम राम नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा और जी उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अभी भाई लगभग रात के 2 बज रहे हैं और मेरे साथ आप फ्रेम में देख रहे हो बिग बॉस 12-13 में जो कंटेस्टेंट थी अर्शी खान जी, हमारे साथ पहली बार आज हमारे चैनल पर है। मैम स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। 12-13 गया था। अच्छा, दो बार बिग बॉस में दिखी है भाई, 2011 सीजन में और 14 सीजन में। मैम रात को 2 बजे भी शूट कर रहे हो जी? अच्छा, शूट मैं कर रही हूँ, ये इंटरव्यू ले रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है नींद चल रही है। 2011 बोलता था। 3 दिन हो गए मेरे को, 3-4 दिन से ट्रैवल शूट चल रहा है और मैम भी लगातार 3-4 दिन से ही काम कर रही है भाई, लगातार शूट कर रही है। तो मैम बताइए आज कौन से गाने का शूट चल रहा है और टीम के बारे में थोड़ा सा। हमारे जो भी को आर्टिस्ट थे साथ में, सबने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अच्छा था मैम। क्या उम्मीदें हैं मैम सॉन्ग से? जब डीजे सॉन्ग हरियाणा में आपको पता है डीजे सॉन्ग हिट होते हैं, क्लिप होते हैं यार, बहुत अच्छा सॉन्ग है। मैं दिल से ख्वाहिश रखती हूँ कि बहुत बहुत अच्छे लेवल पे हिट हो। जी बहुत अच्छे लेवल पे हिट हो। मैम शायद तीसरा सॉन्ग है आपका हरियाणा में? इसमें काम करेंगे या हरियाणा में इतने अच्छे आर्टिस्ट आते हैं तो मतलब हरियाणा में ऐसा आर्टिस्ट है नहीं, मतलब हर आर्टिस्ट आए बॉलीवुड से ऊपर से मुंबई से हमारे साथ हरियाणा के प्रोग्राम में बिल्कुल करेंगे। इतने अच्छे गाने बनाते हैं और पब्लिक उन्हें पसंद करती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहता है आर्टिस्ट इम्पोर्टेंट रखता है कितनी मेहनत से करता है, चाहे तमिल इंडस्ट्री का हो, तेलुगु का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो या फिर हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, जहाँ अच्छा काम होगा डेफिनेटली करेंगे। बिग बॉस का नाम कैसा एक्सपीरियंस था? हमने टीवी पे देखा था उस टाइम आपको। मेरा बिग बॉस का हमेशा से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, वो मेरा मायका है और मुझे हर तरीके की सहूलियत मिलती है वहाँ पर एंड मुझे बहुत मज़ा आता है। हमेशा से मेरा अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है यार बिग बॉस। ये मैम एक सवाल है पर्सनल थोड़ा सा मेरी टीम की तरफ से ही था ये, तो मैं शिल्पा शिंदे जी के साथ आपका क्या रिलेशन है? क्या राज है इतना काम करने का एनर्जी, इस एनर्जी के साथ लगातार क्या राज है मैम फिर आप इतना कर लेते हैं 40 घंटे लगातार काम करते लगातार 3-4 दिन तक शूट? अरे मेरा बस बस चले तो हो रेखा से पूछो 10 दिन भी कर ले हम तो काम आराम से, बट थोड़ा सा शरीर को मैम आराम भी चाहिए होता है, टाइम मिलना चाहिए। हाँ मैं पावर नैप ले लेती हूँ अगर 1 घंटे का, जैसे टाइम मिलता है सक्सेस होता है। ये मैम की अच्छी बात लगी भाई। तो कुलदीप राठी सर के साथ डायरेक्शन में कुलदीप राठी सर हैं और गाना मैम कर रही हैं अभी कदे न्यू मटका, कदे न्यू मटका डीजे का एक बहुत ही प्यारा गाना आएगा। कंपनी शायद अभी फाइनल नहीं हुई है, कंपनी तो कुलदीप सर से वो सवाल पूछेंगे भाई कंपनी कौन सी है, वो मैं लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में डालता। लेकिन अर्शी मैम का तो आपने इंस्टा पे फॉलो कर ही रखा हुआ, जानते हैं आप इनको, लगभग 22-23 लाख के समथिंग फॉलोअर हैं फिलहाल अभी, तो बहुत ही अच्छा इनका मैम मतलब अभी बॉलीवुड में फिर आप काम करोगे प्रोजेक्ट में बॉलीवुड में आ गए। हाँ मेरी 17 दिसंबर को इमाम मूवी रिलीज हो रही है, तो 11 दिन के बाद गर्मी में बैठ करके वेब सीरीज है, बहुत बड़ी रिलीज हो रही है, एक वेब सीरीज हो रही है, वो भी आने वाली है।
मैम एक और सवाल था टीम के लोगों का, ये कि कंट्रोवर्सीज वगैरह में आप ज़्यादा रहते हैं, ऐसा कुछ है क्यों? मैं कंट्रोवर्सीज में रहती थी, अब मैं कहीं भी आपको शायद कंट्रोवर्सीज में। हाँ मतलब सर्च किया टीम ने बताया 6 महीने पहले 12 महीने पहले ये वीडियो का कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो कंट्रोवर्सीज नहीं होती हैं, वो तो जो छापा होता है वो छाप देते हैं। मीडिया से प्यार, ये बात सुन के भाई अच्छा लगा मेरे को कि कुछ लोगों से मीडिया से प्यार भी है। मीडिया से प्यार डेफिनेटली, अगर मैं अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी आगे बढ़ी हूँ हमारे लिए मीडिया इम्पोर्टेंट है जी। और मैं अपनी जितनी भी मीडिया है मेरी हिंदुस्तान की जो जो मेरे बारे में छापती है, आई लव यू गाइस, तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल भी मैं शुक्रिया। देखो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मीडिया में विश्वास भी रखते हैं, कुछ लोग मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, हरियाणा का मीडिया मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे यूट्यूब वगैरह पे हो गया या कॉलेज में। आई डोंट नो, मैंने उसके बारे में सर्च नहीं किया, लेकिन हरियाणा के आर्टिस्ट जो हैं जो भी अच्छा काम करते हैं वो तो डेफिनेटली वो वायरल हैं, वो मुंबई में भी उनका नाम ले दो तो लोग जाते हैं। अरे आपका कोई फेवरेट हरियाणवी सॉन्ग? माय फेवरेट मोटो मोटो हाय नी मेरी मोटो समथिंग लाइक दैट, ये ऐसे करके क्या गाना है, हाय नी मेरी मोटो मोटो। वाह यार मैम गा के सुना दो आप, क्या लाइंस बताना जरा, हाय नी मेरी मोटो तेरे सूट कर काले रे कलर बावरी लिरिक्स सर मेरे भूल गया, तेरे सूट काले के रे कलर हां तेरे सूट काले रे कलर बावरी आगे बच मुझे तो लगा नहीं आता लेकिन हाय नी मेरे फोटो। दिलेर सिंह का क्या जी का गाना है भाई, बहुत ही अच्छा गाना है और लगभग शायद 700 मिलियन के पास है, तो वो गाना बहुत ही वायरल था उस वक्त में, तो उनको शुभकामना गाने के लिए। मैम बॉलीवुड में आपका कोई फेवरेट गाना? माय फेवरेट रश की कमर ऑलवेज, गा के सुना देंगे मैम। आप सिंगिंग भी ट्राई कर लो? हाँ मेरे अब्बा चाहते थे मैं सिंगर बनूं जी, चाहते थे नहीं अभी भी चाहते हैं, कहते हैं आप एक्टर बन गए तो भी चाहते सिंगर बन जाओ, ट्राई करूंगी आपको बन गया जी। तो अच्छी आवाज है ना आपकी, वास्तव में रियल में अगर लाइव में इतनी अच्छी आवाज है तो आप स्टूडियो में गा सकते हो? हां लाइव में इतनी अच्छी आवाज होती है स्टूडियो में गा ही लेते। मैम एंड में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से इस गाने के बारे में? बस सपोर्ट कीजिए, दिस इज माय फिफ्थ सॉन्ग इन हरियाणा और अमेजिंग, आगे भी काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। हरियाणा के अंदर लोग बोलते हैं ओह माय गॉड अर्शी खान इन हरियाणा, अर्शी खान बट आई लव हरियाणवी सॉन्ग। हमारे चैनल के लिए मैम दो लाइन, गाइस जाओ सब्सक्राइब करो और शेयर करो रोहित लांबा को, बहुत लंबा करो। शुक्रिया मैम टाइम देने के लिए बहुत बहुत। तो ये थी अर्शी खान भाई और शुक्रिया आप सभी लोगों का इतना प्यार देने के लिए। गाना आ रहा है मैम का कदे न्यू मटका, कदे न्यू मटका कुलदीप राठी सर ने डायरेक्ट किया है और पूरी टीम ने बहुत ही प्यारा काम किया, गोरी नागोरी जी हैं इसमें और आर बी गुजर सर हैं, पूरी टीम का बहुत ही शानदार काम है भाई और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा ये गाना। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1.5 लाख का परिवार आप लोगों ने इतने कम टाइम में हमारे साथ जोड़ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, और ऐसे ही काम करते रहेंगे हम भी, आप लोगों को नई नई अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए।